Now the next property regarding transition elements is magnetic property. Magnetic property, that means when we place transition elements in external magnetic field, they will show some behavior that we call magnetic behavior. जब हम transition elements जो हमारे पास है external magnetic field में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दीज ट्रांजिशन एलिमेंट शो सम बिहेवियर दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक बिहेवियर. एलिमेंट्स और देयर आयन्स शो मैग्नेटिक बिहेवियर. तो अगर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है या उसका कोई आयन है, आयन का मतलब उसके कंपाउंड्स हैं, तो जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो वहां पर कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा देते हैं. बिफोर गोइंग इनटू दैट, उसको जाने से पहले हम पहले देखते हैं कि ये मैग्नेटिज्म कैसे है, इसमें जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये कैसे दिखाता है. वी नो दैट कि अगर कोई एटम होता है, एटम में आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन है. लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है. नाउ दिस, व्हाट दिस इलेक्ट्रॉन डू, इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है. इसके पास दो मोशंस होती हैं, जो हम यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैंने यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाया, इसके पास दो मोशंस हैं. एक है इसमें स्पिन मोशन और दूसरी है इसमें ऑर्बिटल मोशन. ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां पर हम दिखा रहे हैं, एक एटम है लिया मैंने, कोई भी एटम, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में दो मोशंस हैं. एक इसकी स्पिन मोशन कहलाती है और दूसरी ऑर्बिटल मोशन. ऑर्बिटल मोशन हो गया न्यूक्लियस के सराउंड में घूमना और स्पिन हो गया अपनी एक्सिस पे घूमना. अब जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी मूव करेगी तो उसमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, तो यहां पर इस मोशन की वजह से इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, उसको हम जिसको हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. और ऑर्बिटल मोशन की वजह से कौन सा आएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन में दो तरीके के मैग्नेटिज्म आ जाते हैं, एक स्पिन की वजह से और एक ऑर्बिटल की वजह से. स्पिन कहलाता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा इसका, और ऑर्बिट की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा. बट अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, आपने कोई एटम लिया, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन दो का अपना अपना मैग्नेटिज्म होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिज्म होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिज्म होगा, तो ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसल ईच अदर, तो ये फिर मैग्नेटिक नहीं रहेगा, इसमें मैग्नेटिज्म नहीं आएगा. तो सबसे पहली बात, अगर एक एटम की बात की जाए, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है. कौन कौन से मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, एक जगह पे एक ऑर्बिटल में पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब अब इसका एक का मैग्नेटिक जो होगा, दूसरे का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये मैग्नेटिक नहीं रहेगा. तो इसी बेसिस पे हम ट्रांजिशन मेटल्स में देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स को हम कैरेक्टराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म. सबसे पहली बात, व्हेन वी प्लेस, इसको नोट कीजिएगा, व्हेन वी प्लेस ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे शो बिहेवियर नोन एज मैग्नेटिक बिहेवियर. वो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, सबसे पहली बात, डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस.
विच बिहेव करते हैं डायमैग्नेटिक, मतलब व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे शो रिपल्शंस, या हम दे शो रिपल्शंस या ऐसे लिख सकते हैं नॉट गेट मैग्नेटाइज्ड, उनमें मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, नॉट गेट मैग्नेटाइज्ड नोन एज डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस, डायमैग्नेटिक। ये कैसे आ गया इनमें, एक कैरेक्टर अराइजेस ड्यू टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो ट्रांजिशन आयंस जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वहां पर आप देखिएगा वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक, उनको हम कह सकते हैं डायमैग्नेटिक। नाउ दूसरी चीज है पैरामैग्नेटिक। ये वो वाले हैं व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे शो अट्रैक्शन, गॉट मैग्नेटाइज्ड, इनमें कैरेक्टर कैसे आ गया, कैरेक्टर अराइजेस ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो मेन कैटेगरी है हमारे पास, जो हम कहते हैं कुछ आयंस आपके पास होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो जब आप उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वहां पर वो थोड़ी सी रिपल्शन दिखाएंगे और मैग्नेटाइज नहीं हो जाएंगे। क्यों मैग्नेटाइज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो उनमें कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनमें आपके पास ड्यू टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बात है पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक हो गया जब उनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो वो हम देखेंगे कि वो अट्रैक्शन दिखाएंगे, शोज अट्रैक्शन, और गॉट मैग्नेटाइज्ड। क्यों आ गया ये कैरेक्टर, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये बात जरूरी है कि इनको आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालना है, अगर चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, अगर आपको मैग्नेटिज्म देखना है तो आपको पहले इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालना है। क्योंकि अगर लीजिए कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, दैट मीन उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली ओरिएंट होते हैं, एक एटम का एक डायरेक्शन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन से। तो जब ये रैंडम डायरेक्शंस में है तो उनको क्या किया जाता है, जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, वो सारे अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, इसलिए आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखना पड़ता है। तो बेटा अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अट्रैक्शन इन्होंने दिखाई, जब अट्रैक्शन दिखाई दैट मीन ये हो गए मैग्नेटाइज जब हो गए तो आप इनको कहोगे पैरामैग्नेटिक। अगर ये थोड़ी सी रिपल्शन दिखा रहे हैं, मैग्नेटाइज नहीं हो रहे हैं, दैट मीन इनमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, तो इनको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। हाँ, पैरामैग्नेटिक में ये भी बात है, इफ वी रिमूव मैग्नेटिक फील्ड, इफ External field is removed, magnetism disappears. इसका magnetism फिर से खत्म हो जाएगा, magnetism disappears. तो इसका magnetism disappear हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें है transition elements में, some transition elements or ions, ये आप नोट कीजिएगा इसी के साथ, सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आयंस रिमेन मैग्नेटिक इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
आपने इनको मैग्नेटाइज किया पहले कैसे मैग्नेटिक फील्ड देके, फिर जाके उसको रिमूव भी किया, लेकिन ये फिर भी मैग्नेटिक रहे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखाते हैं, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक। इन सबस्टेंसेस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ एग्जांपल्स हैं जो फेरोमैग्नेटिक की एग्जांपल्स कहलाती हैं, लाइक आयरन है, कोबाल्ट है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक हो गया कि आपने इनको, पहले ये मैग्नेटिक नहीं थे, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, ये मैग्नेटाइज हो गए। जब मैग्नेटाइज हो गए फिर आप अगर रिमूव भी करोगे तब भी ये मैग्नेटिक रहेंगे क्योंकि इनमें किसी वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, तो हम इनको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। इसके पीछे रीजन क्या है फेरोमैग्नेटिक, दैट पार्ट वी टेक इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम बताते हैं कि डोमेन थ्योरी है, डोमेन थ्योरी से हम समझाते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म सबस्टेंसेस में कैसे रहता है। राइट नाउ वी ओनली क्लासिफाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनटू ब्रॉड टू क्लासेस, वन इज डायमैग्नेटिक। तो शॉर्ट में डायमैग्नेटिक वहां पर होगा जहां पर आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पैरामैग्नेटिक हो गया जहां पर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, अगर किसी ने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखाया तो है, एग्जांपल आयरन है, कोबाल्ट है, तो हम उनको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। अब इसी में ये क्लासिफिकेशन तो हो गई ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स तीनों क्लासेस के हैं, ब्रॉड तो दो है लेकिन तीसरा भी है, फेरोमैग्नेटिक भी है। लेकिन इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो नोट करने का है, दैट इज इन 3D ट्रांजिशन मेटल्स और आयंस, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज क्वेंच्ड। मतलब वैनिशेस एंड ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन्स। जो आपके पास 3D, आप जानते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास 3D है, 4D है, 5D है, जो आपके पास 3D सीरीज है, मैंने अभी कहा कि जो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो दो तरीके का होता है, एक स्पिन की वजह से, एक ऑर्बिट की वजह से। लेकिन 3D ट्रांजिशन मेटल्स या आयंस जो इनके हैं, आयंस का मतलब कंपाउंड जो इनके हैं, उनमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा खत्म हो जाता है, हम उसको कहते हैं कि है नहीं, वैनिश, ऑल्दो थोड़ा सा होता है, इट इज नॉट कंप्लीटली वैनिश, थोड़ा सा होता है, लेकिन फिलहाल थियोरेटिकली हम समझेंगे कि है ही नहीं। जब हम कहते हैं कि ये है ही नहीं तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो रह जाता है वो ओनली स्पिन की वजह से होता है, और अगर आप सिर्फ स्पिन की वजह से लेते हो तो इसके लिए आपके पास स्पिन की एक फॉर्मूला है जिसे आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, स्पिन फॉर्मूला। जब आपको लेकिन पूरा ये पता है कि आप सिर्फ स्पिन की वजह से कैलकुलेट करते हो तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो Nn+2। इस फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को। कैसे? n क्या है? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्पिन अगर कैलकुलेट करना है, जो आप 3D के लिए बहुत आराम से कर सकते हो, इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो Nn+2। हाँ, जो हेवियर मेंबर्स है, जो नीचे है, उनके लिए ये फॉर्मूला थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ती है क्योंकि वहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ता है, लेकिन आप ज्यादा फोकस रहिएगा इस पे, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आपको बताया है, आप इस फॉर्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, आपको देखना है ट्रांजिशन एलिमेंट में या आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर ले रहा हूं, वहां से आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है आपको।
फॉर्मूला इज अंडर रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेट्रॉन. वी विल टेक सम एग्जांपल्स. जैसे कि मैं यहां पर एक आयन ले रहा हूं, इसकी कॉन्फिगरेशन देखेंगे, इसमें देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा जो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हो, एन एन प्लस टू वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जैसे मैं स्कैंडियम ले रहा हूं, यहां पर स्कैंडियम थ्री पॉजिटिव. जो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है अर्गन 3d1 4s2, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की. लेकिन जब आप स्कैंडियम थ्री पॉजिटिव ले रहे हो, दैट मीन तीन इलेक्ट्रॉन निकले हैं, दो s से और d से, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, d0. इसमें अब d में कुछ नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो. जब आप n को जीरो रखोगे तो ये अल्टीमेटली जीरो ही बनेगा, सो इट इज डायमैग्नेटिक, इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है. जहां पर भी पियर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे पियर्ड होंगे, कोई अनपियर्ड नहीं होगा, तो वो डायमैग्नेटिक हैं. चलिए टाइटेनियम थ्री पॉजिटिव. टाइटेनियम की जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज टाइटेनियम 3d2 4s2. अब जब आप थ्री पॉजिटिव कह रहे हो, तभी तीन इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, एस से दो डी से एक, तो आपका बच गया d1. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जब आप इस फॉर्मूला पे कैलकुलेट करोगे, इट कम्स 1.73. ऐसे ही स्कैंडियम टाइटेनियम. टाइटेनियम अगर आपने टू पॉजिटिव लिया, अगर आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगी d2, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, तो फिर आप फॉर्मूला पे लगाइए, आपको निकलेगा 2.84. वैनेडियम थ्री पॉजिटिव या वैनेडियम टू पॉजिटिव, इसमें बचेगा d3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3.87. उसके बाद हो गया आपके पास वैनेडियम के बाद क्रोमियम टू पॉजिटिव d4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज 4.790. मैग्नीज टू पॉजिटिव d5 कॉन्फ़िगरेशन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5.92. हाँ, जब आप टाइटेनियम का 1.73 देख रहे हो, जो एक्सपेरिमेंटल है, ये तो हो गया जो आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, जो एक्सपेरिमेंटल है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है इससे. क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल हम यहां पर लगा रहे हैं कि जैसे कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है ही नहीं, बट थोड़ा सा होता है, वो क्वंच हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है इस फॉर्मूला में, लेकिन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आता. तो एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वड, दिस इज ऑब्जर्वड मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट मीन जो आपने एक्सपेरिमेंट से, दिस इज कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट, जो आपने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट पे देखा, एक्सपेरिमेंट पे थोड़ा सा ज्यादा होगा एज दिस वैल्यू. बिकॉज क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ा सा ऑर्बिट भी कंट्रीब्यूट करेगा. सो हो गया मैग्नीज, आयरन d6, कोबाल्ट पे देखेंगे d7 होगा कॉन्फिगरेशन, टू पॉजिटिव. निकल इसमें होगा d9, d8, कॉपर टू पॉजिटिव d9, और लास्ट में जिंक टू पॉजिटिव, उसमें होगा d10. इसमें अगर आप आयरन की बात करें, आयरन में 6, डी में 6 है. डी में 6 होने का मतलब, ऐसे डी में 5 डब्बे होते हैं हमारे पास डी में, तो अगर आप 6 कह रहे हो, तो ऐसे हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका भी फिर निकलेगा 4.90 इस फॉर्मूला पे. अगर आप कोबाल्ट d7 हो गया 6 और 7, ये हो गया d7 में, ऐसे होगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 है. जब 3 है, 3.87, ये 2, इसमें 2 होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2.84, इसमें 1 होगा 1.73, इसमें 0 कोई नहीं होगा, d10 जब होगा तो इसमें कोई नहीं बचेगा अनपेयर्ड, दिस इज डायमैग्नेटिक, इट इज 0 अगेन, इट इज डायमैग्नेटिक. तो देखिए, ये इस हिसाब से आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो. अगर फॉर एग्जांपल, अगर आपके ऑप्शन में, ख्याल रखिएगा, इस फॉर्मूला पे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. पहली बात,
अगर ऑप्शंस में जो आपका निकल रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा है आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑप्शंस में क्वेश्चन दे रहा है टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का, इनमें से देखिए कौन सा है इनका, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, अगर वहां पर होगा 1.76 तो आपका आंसर वो भी है, क्योंकि 1.73 नहीं होगा, आपका वहां पर होगा 1.76, क्योंकि इसको थोड़ा सा किसका कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, ऑर्बिट का, दिस इज ओनली व्हेन वी टेक सिपेट, एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर आपको रूट प्रॉब्लम कर रहा है, देखिए यहां पर आप एक थोड़ा सा ये भी याद रख सकते हो, अगर इसका 1 है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 तो 1.73 1 में ही इसका है, 2 2.84, 3 ये वो इनके मैच हो रहे हैं, 3 3 देखिए, 4 4 देखिए, 5 5 देखिए, तो ऐसे भी आप बिना रूट कैलकुलेट करके देख सकते हो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट किसी का क्या हो सकता है, तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। बट अगेन आई एम टेकिंग दिस इज ओनली व्हेन वी टेक स्पिन इनटू अकाउंट, और वी टेक जैसे कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं है वहां पर, जबकि मैं ये भी साथ में कह रहा हूं थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा होता है, जो जिसकी वजह से ये वैल्यू बराबर ये नहीं होगा, थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, 1.76 हो सकता है जो इसका एक्चुअल वैल्यू होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक, जिसमें आपने देखा मैग्नेटिक, मैं देखा जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को या उनके कंपाउंड्स को, कंपाउंड का मतलब हो गया आयंस को, तो वहां पर उनका मैग्नेटिक मोमेंट तीन तरीके से वो दिखा सकता है, या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक हो गया कि मैग्नेटिक नहीं हुआ, डायमैग्नेटिक कब होता है जब आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो होगा पैरामैग्नेटिक जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, या तो स्ट्रांगली मैग्नेटिक होगा जो कुछ ही दिखाते हैं, आयरन कोबाल्ट निकल जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। फिर अगर आपको मैग्नेटिज्म कैलकुलेट भी करना है तो आप इस फॉर्मूला को ले सकते हो, लेकिन ख्याल रखिएगा ये फॉर्मूला बनती है खाली स्पिन से, इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने देखा कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से बनते हैं। ट्रांजिशन मेटल आप जानते हो, जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, लाइक ऐसे में एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास है ठीक, ऐसे ही तो आप देखेंगे जो आपने ट्रांजिशन कोऑर्डिनेशन में देखा भी, जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेटल उसमें होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जो आपका मेटल होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। यहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्यों, ऐसा क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो ये बनाते हैं ऐसा क्या है इनमें जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट रखिएगा याद, दे फॉर्म ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू, पहली बात, फर्स्ट ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज, इनका साइज जो है वो छोटा है, देयर स्मॉलर साइज, साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि आपको पता है मेटल जो होता है उसको सराउंड में लीगेंड आ जाते हैं, जैसे कि यहां पर आयरन है, 6 साइनाइड इसको एडजस्ट करने हैं, तो जितना ये छोटा होगा उतने अच्छे से ये साइनाइड्स को, 6 साइनाइड्स को अच्छे से अरेंज कर पाएगा। यहां पर कॉपर, इसको 4 अमोनिया को सराउंड करना है, ये डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज छोटा है तो इसके जो लीगेंड्स आएंगे ना वो अच्छे से एडजस्ट हो पाएंगे, अगर ये पहले ही बड़ा होता तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती, देयर स्मॉलर साइज। सेकंड, इतना ही नहीं खाली साइज, सेकंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल,
इसमें भाई डी ऑर्बिटल होता है और एम्प्टी होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से, जिसमें लिगेंड्स आपको पता है ना, इसमें बॉन्ड कैसे बनता है, आयरन और साइनाइड के बॉन्ड, इसमें जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में मतलब साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ देगा, आयरन की तरफ देगा, तो आयरन को पकड़ने के लिए जगह भी होनी चाहिए ना, तो इनमें तो होते हैं डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो आराम से पकड़ते हैं, इन जो वहां से लोन पेयर आता है लिगेंड से वो आराम से पकड़ देता है मेटल, तो हम कहते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड दीज डी ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी दे कैन टेक इजिली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड, ये भी वजह है। Their high ionic charge density, इनमें आप देखेंगे जो आपके पास मेटल्स होते हैं ये मेटल्स जनरली पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, इनमें चार्ज्ड होते हैं, जैसे कि यहां पर आयरन देखेंगे आप, इसमें आयरन टू पॉजिटिव है, कॉपर देखेंगे कॉपर टू पॉजिटिव है, आप देखिए और भी कॉम्प्लेक्सेस जिसमें थ्री पॉजिटिव होंगे, कोबाल्ट थ्री पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस, निकल थ्री पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस, तो हमारे पास जो इसमें मेटल होता है देयर चार्ज डेंसिटी इज हाई, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या होगा, ये मेटल्स जो है जब इसमें आपने टू पॉजिटिव रख दिया तो ये साइनाइड को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर रहा है, जैसे हमने पढ़ा है वहां पर प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में, दैट मीन इसको स्टेबलाइज करना है ना इसको किसी तरीके से, जब ये हाईली चार्ज्ड है उसकी वजह से ये इसको खींच भी पाएगा, लिगेंड्स को अपनी तरफ से खींच पाएगा, जब अपनी तरफ से खींच पाएगा तो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये भी एक फैक्टर बन रहा है जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सबसे पहली बात, इनका साइज छोटा है, दे कैन एडजस्ट द लिगेंड्स इजिली। सेकेंड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इनमें है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, इनकी हाई आयनिक चार्ज डेंसिटी होती है, हाई आयनिक चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या होगा, ये लिगेंड को अच्छे से, जब कोई पॉजिटिव चीज है तो वो नेगेटिव चीज को अच्छे से खींच पाएगी, लिगेंड को, जो लिगेंड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आता है, ये इसको अच्छे से खींच पाएगा क्योंकि मेटल के पास हाई आयनिक चार्ज डेंसिटी है। हाँ, हमारे पास इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आयरन में, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन CO5 कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में, इनमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है फिर भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन यहां पर वजह कुछ और है, यहां पर बैक बॉन्डिंग की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होता, जो हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में पहले ही पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल की कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो भी होती है वहां पर, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ और है, बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट की वजह से वो स्टेबलाइजेशन अचीव करता है जनरल में, लेकिन जब हमें करना होता है तो हम इन तीन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, इनका स्मॉलर साइज, इनकी इनमें डी ऑर्बिटल है और इनकी हाई चार्ज डेंसिटी है जिसकी वजह से ये अच्छे से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, तो इन तीन पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा। Formation of next property, interstitial compounds. Formation of interstitial compounds, non-metallic elements like boron, smaller non-metallic elements like boron, carbon, nitrogen, hydrogen got trapped in the vacant spaces in the vacant spaces of transition elements lattices, मतलब कि आपके पास कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आयरन है, आपका आयरन जो बन रहा है ना, ये आयरन के एटम्स हैं, ये आपस में बैठ रहे हैं, ये आयरन के एटम्स हैं।
जब आप इनकी पैकिंग करोगे तो ये आपको ऐसे दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी पैकिंग ऐसे है, ये आयरन एटम है, इसका हर कोई एटम अपनी अपनी जगह पे बैठता है तो उनको हम लैटिस कहते हैं। तो ये एक लैटिस आयरन का, दूसरा लैटिस आयरन का, तीसरा, ऐसे ऐसे अपनी अपनी जगह पे ये बैठ गए आयरन एटम। लेकिन आप कुछ भी कीजिएगा, आप कैसे भी पैकिंग कीजिएगा, जैसे सॉलिड्स में हम बताते हैं, आप किसी भी तरीके से पैकिंग कीजिएगा लेकिन बीच में स्पेस बचती है, इस स्पेस में घुस गया कोई छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट घुस गया, जो ये छोटा सा एलिमेंट घुस गया है, दिस इज, इसको, इस जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशीज, इंटरस्टिशीज, इंटरस्टिशीज में घुस गया, जो इसकी स्पेस थी, वैकेट स्पेस में थी, इसमें ये घुस गया। कौन सा छोटा सा एलिमेंट? ये बोरान हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो ये जो छोटा हो गया, इसकी वजह से ये कंपाउंड जो बना है, अब इस कंपाउंड का नाम क्या दिया हमने? दीज आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स दैट मींस है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का। जैसे कि हमारे पास आयरन के साथ FeC कार्बन आता है, जो आपके पास स्टील होता है ना, स्टील, स्टील क्या होता है? इट इज आयरन प्लस कार्बन, ऐसे ही टंगस्टन, या आप टाइटेनियम का दिखा सकते हो, टाइटेनियम ऐसे 1.380। तो ये है आपके पास इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टीशियल कंपाउंड समझ आ गया क्या है? कि मेटल अपना लैटिस बनाता है, दैट मींस अपनी अपनी जगह पे बैठता है, इनमें थोड़ी छोटी छोटी जगह बचती है, उस छोटी जगह में पहुंच जाता है इनमें से कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट। जब वो पहुंच गया इसमें बीच में, तो इस जो ये कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं, नाउ इट इज एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने से क्या फायदा, दैट मीन इससे क्या फर्क पड़ेगा इसमें? हाँ, इसका मेल्टिंग, दे आर हार्डर नाउ, इसकी वजह से हार्डनेस बढ़ सकती है। कुछ तो कहते हैं कि इतनी हार्डनेस बढ़ सकती है कि डायमंड जैसी हार्डनेस अचीव हो जाती है। दे आर हार्डर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, केमिकली इनर्ट, मतलब उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं रह जाते फिर, अदरवाइज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, केमिकली इनर्ट, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। लेकिन एक चीज है, द बॉन्ड इज नीदर आयनिक और कोवलेंट, ये चीज याद रखिएगा। जो ये बीच में घुस गया ना, छोटा एलिमेंट जो बीच में घुस गया, इसके बीच में और जो लैटिसेस आपस में हो उनके बीच में जो बॉन्ड है, वो ना आप उसको ना कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हो, ना आयनिक बॉन्ड कह सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो कि ये एलिमेंट फंस गया है इसके बीच में, ठीक है ना, इसमें इनमें कोई आपस में कोवलेंट टाइप शेयरिंग टाइप कोई बॉन्ड नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव टाइप इंटरेक्शन नहीं है, तो ऐसी कुछ नहीं है। फिजिकल फोर्सेस तो होंगे वहां पर, लेकिन कोई केमिकल टाइप ऑफ बॉन्ड इनके बीच में नहीं आता है। जब केमिकल टाइप हम कहते हैं कि वहां पर ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है, नीदर मेटालिक नॉर कोवलेंट, उसकी वजह से क्या होता है, इन जनरल मोस्ट ऑफ द इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक, स्टाइकोमेट्री नहीं रहती इनमें। हाँ, किसी में रह सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है इनमें स्टाइकोमेट्री नहीं है। जैसे आपने अभी लिखा ना, ये टाइटेनियम हाइड्रोजन 1.38 to 1.80, कोई फिक्स चीज नहीं है। कि जैसे कि हम स्टाइकोमेट्री देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 1:2 ऑक्सीजन 1:2 रेशियो में, ठीक है ना, कोई फिक्स चीज इसमें नहीं है। देखिए टाइटेनियम 1 और ये 1.38 1.80 तक, क्योंकि यहां से ये खुद समझ आता है कि जितना वो फंस सकता है वहां पर, उतना वो फंस जाएगा उन इंटरस्टीशियल में। तो यहां पर आपने एक रेंज दे दिया, और ये यहां पर कोई हो, कोई प्रॉपरली एक कोई कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड में फिक्स्ड रहता है चीज है। जो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, उसमें आप, अगर आपको याद होगा, कोई भी जब कंपाउंड बनता है ना, उस कंपाउंड में फिक्स्ड चीजें रह जाती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, वाटर लेंगे, वाटर में हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है,
इट्स अ फिक्स्ड नाउ बट नॉट दिस, दीज आर फिक्स्ड स्टाइकोमेट्री, इसमें स्टाइकोमेट्री फिक्स है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इनको कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड. तो यहाँ दीज आर द सब प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड. यही वजह है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि इनमें कोई प्रॉपरली कोई कोवलेंट बॉन्ड, कोई आयनिक बॉन्ड टाइप है नहीं. दिस इज जस्ट कि वहां पर बीच में जगह है, वहां पर कोई नॉन मेटेलिक जो छोटी सी चीज होगी वो इसमें फंस जाएगी. सो ट्रांजिशन मेटल शोज दिस प्रॉपर्टी दैट दे कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड. नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज. फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनसे हम एलॉयज भी बनाते हैं. एलॉयज क्या होता है? एलॉय, एलॉय जब हम यूज करते हैं व्हाट दिस इज, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन. होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें आपके पास सॉलिड सॉलिड प्लस सॉलिड, तो हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें आपके पास मेटल मेटल के साथ या मेटल नॉन मेटल के साथ मिक्स होता है तो बनता है एक अलॉय. तो यहां पर लेकिन फर्क है, इंटरस्टीशियल और एलॉय में थोड़ी सी फर्क है. होमोजीनियस मतलब हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो था कि कहीं कहीं पर फंस गया. देखिए ये मेरे पास एक मैं एक लैटिस बना रहा हूं, इस डायग्राम से आपको सीधे दिखेगा फर्क क्या है इंटरस्टीशियल में और एलॉय में. लीजिए ये एक एलिमेंट है ए, हम इसको कहते हैं ठीक. ये यहां पर इसकी यहां दूसरी लैटिस की जगह बी आ गया कोई ठीक. फिर ए है, ए ये बी आ गया, ऐसे यहां पर बी है, बीच में नहीं फंसा है. सो दिस इज लैटिस, दैट मीन दिस इज अलॉय. अलॉय यहां पर क्या हुआ, दो चीजों का होमोजीनियस एक सॉल्यूशन बन गया है जिसमें ए बी ठीक ठाक है और बी बी ठीक ठाक है. दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉल्यूशन जब कहेंगे ऑब्वियसली दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी है कि ये आपस में मिक्स होके, चाहे मेटल से ही एक ट्रांजिशन एलिमेंट दूसरे ट्रांजिशन मेटल के साथ, या जरूरी नहीं है ट्रांजिशन मेटल के साथ, किसी और मेटल के साथ आपस में मिक्स हो गए, या किसी नॉन मेटल के साथ भी मिक्स हो गया तो हम कहते हैं दे हैव प्रॉपर्टी दैट दे कैन फॉर्म एलॉयज. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलॉयज भी बनाते हैं. अब जो ये एलॉयज बनाते हैं, एलॉयज किस वजह से ही बनाते हैं वो हमें देखना पड़ेगा. ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, वो बनाते हैं एलॉयज देयर मेटालिक रेडिए शुड डिफर. वो तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये शुड डिफर विद इन 15%. अगर आपको ये भी लिखना पड़े कि ये क्यों बनाते हैं, एलॉयज क्यों बनाते हैं, तो हम इसमें एक पॉइंट और डाल सकते हैं. ये जो फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज है ये हम दूसरा पॉइंट रखेंगे. तो पहला पॉइंट हम ये भी रख सकते हैं जो इसको कोइंसाइड करेगा, मैच करेगा, देयर रेडिए मेटालिक रेडिए इज सिमिलर. आपको कहा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों एलॉयज बनाते हैं, आपस में क्यों एलॉयज बनाते हैं, क्योंकि इनके जो साइजेस है उनमें ज्यादा फर्क नहीं है. और ये भी याद रखिएगा कि कहीं पर अगर किसी को एलॉय बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, उनका मेटालिक रेडिए जो है ना वो 15% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए. ए जो मैं अभी बना रहा था, ए और बी,
अगर इनको एलॉय बनाना है तो इनके जो रेडियस है, रेडियस 15% से ज्यादा डिफरेंट नहीं होने चाहिए, बराबर भी तो होंगे नहीं लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस होगी। कहां तक डिफरेंस चलेगी? 15% तक अगर डिफरेंस है तो वो चलेगा, वो आपस में अलॉय बना सकते हैं। यही वजह हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपस में अलॉय बनाते हैं, क्यों इतने ज्यादा अलॉय बनाते हैं? क्योंकि उनका रेडियस उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दे कैन यूनिफॉर्मली अकोमोडेट विद ईच अदर, तो यूनिफॉर्मली अकोमोडेशन के बाद ये अलॉय आराम से बना सकते हैं। तो ये मेन वजह है जो आप याद रखिएगा कि इनके साइजेस के बारे में। ऑब्वियसली इसकी वजह से अलॉयज दे आर हार्डर, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, जैसे कि हमारे पास कुछ होते हैं फेरस अलॉयज, आपकी टेक्स्ट बुक लिख रही है फेरस अलॉयज हो गया, जिसमें आयरन है और साथ में आप इसका अलॉय बना सकते हो कार्बन डाल के, आप इसका बना सकते हो कार्बन क्रोमियम डाल के, आप इसका डाल सकते हो निकल डाल के, सो दीज आर नोन एज फेरस अलॉयज। उसके बगैर भी अलॉयज हमारे पास है, जैसे हमारे पास कॉपर प्लस जिंक कॉपर प्लस टिन है हमारे पास, ये अलॉयज है हमारे पास, ब्रास, ब्रोंज, इनकी याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक मेंशन कर रही है तो आपको भी पता होना चाहिए ब्रास में कौन कौन सा मेटल है, ब्रोंज में कौन कौन सा मेटल है। सो दीज आर अलॉयज। मर्करी जनरल में ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, अलॉयज ऑफ मर्करी आर नोन एज एमलगम्स। जो मर्करी के अलॉय है उनको हम एमलगम्स कहते हैं, लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकल Do not form amalgams. ये amalgams नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? Because of size difference. Size difference की वजह से हम कहते हैं कि ये amalgams नहीं बनाता। Otherwise amalgams आप देखोगे बहुत जगह पे chemistry में, इनकी application भी बहुत सारी है, तो आप बहुत जगह पे देख सकते हो amalgams को। तो ये हो गया कि transition elements जो होते हैं वो alloys भी बनाते हैं। Now going towards this next property, catalytic property. Catalysis क्या होता है? जो reaction speed को increase करे। Catalyst वो चीज होती है जो reaction की speed को increase करे। आप सरफेस केमिस्ट्री में पूरा देख सकते हो कि पूरा मैकेनिज्म क्या होता है काइनेटिक्स में, लेकिन मेन आप सरफेस केमिस्ट्री में ही देखोगे कि कैटालिसिस का रोल कैसे होता है, वो कैसे स्पीड बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम करके वो कैसे स्पीड बढ़ाते हैं रिएक्शन की। ट्रांजिशन मेटल्स खुद मेटल्स या इनके कंपाउंड्स शो गुड कैटालिटिक एक्टिविटी, क्यों? ड्यू टू दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये एक ही वैलेंसी नहीं दिखाते इनकी, ये +2, +3, +4 जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ाया है वो दिखाते हैं, वो इनको मदद करता है कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाने में। प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज,
बॉन्ड बनाने के लिए तैयार, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज ऑन द सरफेस, फॉर एड्सॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री में आपने देखा होगा सिर्फ एड्सॉर्प्शन अगर होना है तो सरफेस बहुत ही एक्टिव होनी चाहिए जहां पर किसी भी चीज को पकड़ा जा सके। जब कैटालिसिस फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों की रिएक्शन होनी है, इन दोनों को आपस में मिलना है, ये गैस है, ये घूम रहा था, आपने एक बीच में इनका बीच में एक सॉलिड कोई चीज डाल दी, आप ये इस पे बैठ गए, जब ये बैठ गए तो आपस में इनके रिएक्शन के चांसेस आपस में बढ़ गए। अगर ये ऐसे ही घूम रहे थे, ये हवा में दो चीजें घूम रही थी, ये आपस में टकरा नहीं रहे थे तो इनकी रिएक्शन नहीं हो रही थी, बट आपने क्या कर दिया, आपने बीच में एक सरफेस प्रोवाइड कर दी, सरफेस से क्या हो गया, ये दोनों इस पे बैठ गए तो इनके आपस में चांसेस बढ़ गए रिएक्शन करने के। तो इसने क्या किया, इसने पार्टिसिपेट किया एज अ कैटलिस्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इस पे बैठना चाहिए ना, बैठने के लिए सरफेस के पास फ्री वैलेंसीज होनी चाहिए जिस जैसे जो इस पे ये बैठ सके, तो ये इस पे बैठ गया। तो फिर जाके जब बैठा कैसे, क्योंकि इसके पास फ्री वैलेंसीज थी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास तो फ्री वैलेंसीज होती है, डी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल वो अवेलेबल होता है बॉन्डिंग के लिए, वो आराम से बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी इसको मदद करता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी में, एक्टिविटी में। थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास डी ऑर्बिटल तैयार होता है इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, तो बॉन्ड बनाने में इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ड्यू टू दिस, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं इनको याद रखिएगा, ड्यू टू दिस वी कैन से दे शो वेरी गुड कैटालिटिक एक्टिविटी। और देखते भी है केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रिएक्शंस होंगी जहां पर आप देखेंगे मेटल्स या उनके कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल्स या उनके कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं कैटालिसिस में, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में यहां पर दे रहा हूं, हमारे पास एक रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ ओ टू गेट्स कन्वर्टेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो हम अलग से कहीं पर पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जिसमें H2SO4 बनता है। H2SO4 बनाने के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसमें जो कैटलिस्ट है दैट इज वैनेडियम पेंटोक्साइड, वैनेडियम ट्रांजिशन मेटल है, उसी का एक कंपाउंड वैनेडियम पेंटोक्साइड, ये आपके पास कंपाउंड है। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे पूरा, ये कैसे होता है, वैनेडियम पेंटोक्साइड V2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, इसमें इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसमें इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो चेंज किया ना अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। फिर जब वैनेडियम पेंटोक्साइड +4 कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू V2O5। इसको बैलेंस करके देख लीजिएगा, हमारे पास है वैनेडियम टेट्रोक्साइड, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में डाल सकते हैं, वैनेडियम पेंटोक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, या ऐसे ही। हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हैं जिनमें हम दिखा सकते हैं इनका रोल, लेकिन यहां पर मैंने ये दिखाया, देखिए यहां पर +5 में है, यहां पर +5 में है, दे कैन इजिली चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से ये दिखा सकते हैं। ऐसे ही इनके वैलेंसीज, फ्री वैलेंसीज की वजह से एड्सॉर्प्शन अच्छा दिखाते हैं, जब एड्सॉर्प्शन अच्छा दिखाया तो जो चीज एड्सॉर्प्शन अच्छी दिखाएगी तो ऑब्वियसली वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी अच्छी दिखाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स खत्म हो गया प्रॉपर्टीज के हिसाब से, अब इसके कुछ कंपाउंड्स हैं, फिर एफ ब्लॉक रेस्ट हो गया।